लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की फूट खुलकर सामने आने लगी है। अम्बाला के पूर्व विधायक विनोद शर्मा के कांग्रेस में दोबारा शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों से कांग्रेस के दो नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आए। नगल के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने जहां विनोद शर्मा को भगोड़ा बता, पार्टी में उनके लिए कोई जगह ना होने का फरमान जारी किया। मेरे ख्याल में उनके कांग्रेस में उनके लिए कोई जगह नहीं है। चाहती थी दुनिया, अरविंद शर्मा भी चाहते थे, ये भी चाहते हैं, मगर ये ऐन वक्त पे धोखा देके भाग गए थे, तो इनकी कोई जगह पार्टी में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष ने विनोद शर्मा के पार्टी में दोबारा आने के संकेत दिए। जहाँ तक विनोद शर्मा जी की बात है, हाईकमान तक उनका मसला मैं सुना है कि वो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ दिनों में उनका भी फाइनल होने वाला है कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। बता दें अम्बाला में आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने पत्रकार वार्ता कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समन्वय समिति का चेयरमैन बनाने को लेकर राहुल गांधी का धन्यवाद किया। स्वागत और धन्यवाद, हमेशा आपकी तरफ से हमें बहुत सहयोग रहा। आप एक इकट्ठा किया और इस सब प्रोग्राम का जो लोग चाहते थे वास्तव में, जिसे कहते हैं आवाज़ खलक, कि हुड्डा साहब को ये लीडरशिप की कमान सौंपी। इस दौरान जब निर्मल सिंह से पूर्व केंद्रीय मंत्री और अम्बाला शहर के विधायक रहे विनोद शर्मा के दोबारा कांग्रेस में आने के कयासों पर सवाल पूछा गया, तो निर्मल सिंह ने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस में उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ भाग गए थे। वही निर्मल सिंह को जब बताया गया कि कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने विनोद शर्मा के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के कयासों पर मोहर लगाई है, तो इस पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के तरुण भंडारी को आड़े हाथों लिया और बोले, तरुण भंडारी को तो अम्बाला का ही नहीं पता, तो वो इस बारे में कैसे कह सकते हैं। कौन को सदक है? मेरा ख्याल तो उनकी कोई जगह नहीं है। तरुण भंडारी को कुछ ज्यादा पता तो मैं कह नहीं सकता। तरुण भंडारी को तो अम्बाले का भी नहीं पता, भी वो कैसे कहेंगे यहाँ की बात इतनी लंबी चौड़ी। एक बात आपको यहाँ बता दें कि विनोद शर्मा की कांग्रेस में वापसी को लेकर तरुण भंडारी ने साफ किया कि कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं के साथ साथ भाजपा के कई नेता भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, जिसका फैसला हाईकमान करती है। तरुण भंडारी ने विनोद शर्मा का नाम लेकर स्पष्ट किया कि उनके बारे में भी चर्चा है कि वो पार्टी में आना चाहते हैं और हाईकमान तक ये मसला पहुँच गया है, जिसका फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा। जैसे कि जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे वो पुनः कांग्रेस में वापसी करने कर रहे हैं, और इनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में कई लोग हैं वो भी कांग्रेस में आने के लिए आते हैं, परंतु ये पार्टी हाईकमान फैसला करती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। जहाँ तक विनोद शर्मा जी की बात है, हाईकमान तक उनका मसला मैं सुना है कि वो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ दिनों में उनका भी फाइनल होने वाला कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम तहलका।